AOC मिल जाएगा, और जब AOC मिल जाएगा तो उसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा, एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो धीरे धीरे मैन पावर भी जेट एयरवेज लेना शुरू करेगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग ग्रेजुएशन माइंड। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेट एयरवेज से रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है। ये क्रू डिपार्टमेंट से है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से है, तो क्या कुछ न्यूज है एक एविएशन लवर के लिए, यानी कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप चाहते हो कि जेट एयरवेज में जॉब लेने के लिए या एविएशन का हिस्सा बनना चाहते हो, प्लीज रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहे और आप वीडियो देखते रहो। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, मैं आपको ये न्यूज दे चुका हूँ कि जेट एयरवेज प्रूविंग फ्लाइट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो जब जेट एयरवेज प्रूविंग फ्लाइट को कम्प्लीट कर लेगा उसके बाद बीजीसीए के द्वारा एओपी यानी कि एयर ऑपरेटर परमिट को दे दिया जाएगा। और गाइस, मैं आपको उस न्यूज़ में आपको ये बताया था कि बिना पायलट के, बिना क्रू के, बिना मेंटेनेंस इंजीनियर के कोई भी फ्लाइट, प्रूविंग फ्लाइट तो क्या, कोई भी फ्लाइट नहीं कर सकता है। तो जेट एयरवेज ने आज उसी से रिलेटेड कुछ चीज क्लियर किया है, कुछ स्टेटमेंट क्लियर किया है। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ये गेस कर रहे थे कि जेट एयरवेज जब नया ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो एयर बस लाएगा, बट फिलहाल जेट एयरवेज बोइंग 737 ला रहा है। तो जेट एयरवेज का ये कहना है कि क्योंकि हमारे पास बोइंग 737 से रिलेटेड ट्रेंड बहुत ही कम ऐसे इंजीनियर और बहुत ही कम ऐसे क्रू हैं जो कि प्रूविंग फ्लाइट सक्सेसफुली करा सके, और जब तक प्रूविंग फ्लाइट नहीं होगा तब तक जेट एयरवेज को एओपी नहीं मिल सकता है। तो ये प्रूविंग फ्लाइट को कराने के लिए जेट एयरवेज ट्रेंड मैन पावर को फोकस कर रहा है, यानी कि ट्रेंड केबिन क्रू, ट्रेंड पायलट एंड ट्रेंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पे फोकस कर रहा है। सो गाइस, जेट एयरवेज का कहना यह है कि वो स्टार्टिंग के टाइम में, यानी कि जब उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम में फीमेल केबिन क्रू के साथ वो अपना प्रूविंग फ्लाइट करेगा। यानी कि उसमें से बहुत सारे केबिन क्रू ऐसे हैं, बहुत सारे इंजीनियर ऐसे हैं जो पहले से जेट एयरवेज में काम कर चुके हैं, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया गया है। और जैसे जैसे इसका ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, जैसे विस्तारा ने भी पहले सिर्फ फीमेल केबिन क्रू हायर किया था, बट जैसे जैसे उसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, आफ्टर 3 इयर्स वो भी मेल केबिन क्रू को लेना शुरू कर दिया, तो उसी रास्ते पे जेट एयरवेज भी चलेगा। और फीमेल केबिन क्रू के साथ जब सक्सेसफुली इसका ऑपरेशन चालू हो जाएगा तो उसके बाद मेल केबिन क्रू का भी हायरिंग होगा, और बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे पायलट, बहुत सारे टेक्नीशियंस का भी हायरिंग शुरू करेगी जेट एयरवेज। और गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि जेट एयरवेज जो है वो जलान कैलरो कंसोर्टियम के अंदर में अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करने वाली है। तो ये तो खैर मैचेस नहीं है, तो मैं हर वीडियो में लगभग बता ही देता हूं आपको। एंड संजीव कपूर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने वाले हैं, यानी कि सीईओ होने वाले हैं, तो ये भी न्यूज में आपको पहले दे दिया था। तो गाइस, क्योंकि अभी जेट एयरवेज को स्टार्टिंग टाइम में कम मैन पावर चाहिए, बिकॉज उसका ऑपरेशन उतना नहीं होगा, यानी कि बहुत ही लिमिटेड जहाज आएंगी, तो उसके लिए ऑब्वियसली कम चाहिए। अगर एक बार में मैन पावर हायर कर लेगी तो जेट एयरवेज सबसे पहले अपना प्रूविंग फ्लाइट और एओसी पे फोकस करना चाहेगी। अगर प्रूविंग फ्लाइट सही से हो गया तो एओसी मिल जाएगा, और जब एओसी मिल जाएगा तो उसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा, एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो धीरे धीरे मैन पावर भी जेट एयरवेज लेना शुरू करेगी। और गाइस, जेट एयरवेज का ये भी कहना है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहते हैं, इसलिए पहले हम लोगों ने फीमेल केबिन क्रू को हायर किया, बट डोंट वरी, जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन होगा वैसे वैसे मेल केबिन क्रू को भी मौका दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केबिन क्रू में ही मेल फीमेल को मौका दिया जाएगा, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भी मेल फीमेल दोनों को मौका दिया जाएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेल फीमेल दोनों को मौका दिया जाएगा, एंड ऑब्वियसली पायलट डिपार्टमेंट में भी मेल फीमेल दोनों को मौका दिया जाएगा। और जेट एयरवेज का ये भी कहना है कि जेट एयरवेज जब भी हायरिंग करती है उसका जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, जैसे कि मैं आपको बताया। तो जेट एयरवेज इस पे काफी फोकस करती है, इसलिए जेट एयरवेज एक एयरलाइंस नहीं, एक ब्रांड के रूप में पहले था और अभी भी है, और आशा करता हूं कि आगे ही ऐसा रहेगा। तो गाइस, ये था हमारा आज का जेट एयरवेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जो आज ही ये इन्फॉर्मेशन मिला मुझे, और आशा करता हूं कि आप में से जो लोग भी रेगुलर बेसिस पे पूछ रहे हैं कि जेट एयरवेज का आप न्यूज कब दे रहे हो, अपडेट कब दे रहे हो, भाई जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज लगता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, बहुत सारे लोग डीएम करते हैं कि भाई जॉब स्कोप क्या है अभी एविएशन में और जेट एयरवेज में। मैं अभी जस्ट आपको बताया कि जैसे जैसे अभी कुछ कुछ टेक्नीशियन, कुछ कुछ एमी, कुछ कुछ पायलट का हायरिंग होगा, बट जैसे ही इसका जहाज आना शुरू होगा, बिकॉज आपको पता है कि जैसे जैसे एयरक्राफ्ट आती हैं एयरलाइंस में, तो वैसे वैसे मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट आएंगी वैसे वैसे ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि सिर्फ हायर डिपार्टमेंट का ही जरूरत होगा, लोअर डिपार्टमेंट में जैसे टेक्नीशियंस वगैरह का जरूरत होगा। तो उस केस में जब भी जेट एयरवेज वैकेंसी निकालेगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, आप इसका टेंशन मत लेना कि मैं शेयर नहीं करूंगा। आपको पता चल जाएगा कि जेट एयरवेज में अभी क्या हो रहा है, एविएशन में क्या हो रहा है। उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि चैनल पर अगर मैं हो, अगर इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड, एयरलाइन अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दें, कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और गाइस आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे पूछो, तो इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ सकते हो। हालांकि कल मुझे संडे Q&A करना था लेकिन मैं नहीं किया, बिकॉज मुझे कुछ काम आ गया था, तो इस संडे Q&A को मैं अगला संडे करूंगा। और जितने भी इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछोगे उसको मैं रिप्लाई दूंगा। सो गाइस यही था हमारा आज का एटर रिलेटेड वीडियो, आशा करता हूं आज वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, जय हिंद।